आर्थिक सुस्ती के बीच सरकार ने हाउसिंग सेक्टर के उन प्रोजेक्ट्स को मदद देने का फैसला किया है जो फंड की वजह से अटके हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए अलग से 10,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया। सरकार ने इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल विंडो बनाने का भी फैसला किया। इस फंड का फायदा ऐसे प्रोजेक्ट को मिलेगा जो ना तो एनपीए हैं और ना ही एनसीएलटी में उनका कोई विवाद है। सरकार ने यह फैसला आम घर खरीदने वालों को राहत देने के लिए किया है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने बताया कि छोटे डिफॉल्ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि वहीं 25 लाख रुपए तक के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी। सो फॉर ऑल ओवर द कंट्री वेयर एवर द हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आर स्टक बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीट कैन नाउ सीक रिलीफ सो लॉन्ग एज दे आर नॉट एन एनपीए एंड नॉट इन द एनसीएलटी। सो सच मिडिल इनकम प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो सच अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स which are almost complete but are waiting for the last mile cash infusion shall benefit from this special window that we've created with a core of 10,000 crores of rupees. सेना के नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा है कि एलओसी पर हालात काबू में हैं। उन्होंने कहा कि एलओसी पर पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रणबीर सिंह ने राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में एलओसी पोस्ट का दौरा किया और दूरबीन से एलओसी पर सुरक्षा के हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद सेना के अफसरों और जवानों से भी मुलाकात की। तो सेना के नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह की तरफ से कहा गया कि एलओसी पर पूरी तरह से हालात नियंत्रण में है, काबू में है। एलओसी पर पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे जवान लगातार मुस्तैद हैं। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में एलओसी पोस्ट का दौरा करने पहुंचे थे रणबीर सिंह, जहां उन्होंने दूरबीन से एलओसी पर सुरक्षा के हालात को देखा और इस दौरान वहां जो सेना के अफसर मौजूद थे, जो जवान मौजूद थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी ओर से काफी नेताओं ने इस प्रकार की कोशिश किया है और बयान दिए हैं ताकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नागरिकों को भड़का सकें। लेकिन मैं आपके द्वारा ये स्पष्ट करना चाहता हूं और उनको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि भारतीय सेना अगर कोई भी हरकत लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक होती है या हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेट करने की कोशिश की जाती है तो इसके लिए उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नियंत्रण रेखा के ऊपर पाकिस्तानी सेना के ऊपर पूरा दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान और उसकी सेना समय समय के ऊपर आतंकवादियों को और घुसपैठियों को तैयार करती रहती है ताकि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके हमारे इलाके में आकर दहशत बढ़ा सकें। लेकिन हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बहुत स्पष्ट है कि कोई भी पाकिस्तान द्वारा की गई घुसपैठ की कोशिश को सफल नहीं होने दिया गया है। और इस पर हमारे सहयोगी पवन शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, कल जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रैली की गीदड़ भभकी दी उन्होंने और उनके मंत्रियों ने, उसके बाद अब सेना के नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल का ये दौरा और ये भरोसा देते हुए कि कोई भी हरकत अगर होती है बॉर्डर पर तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल, आप देखिए लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह एलओसी पर पहुंचे हुए हैं। उनका जेस्चर देखिए, जैसे वो जवानों से अधिकारियों से मिल रहे हैं, पूरा मोराल बूस्ट हो रहा है भारतीय फौज का कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो उसको किस तरीके से जवाब देना है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सुंदरबनी सेक्टर, नौशहरा सेक्टर, पुंछ और मेंढर सेक्टर में सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। भारतीय सेना भी करारा जवाब दे रही है, लेकिन आज का जो दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि एलओसी के ऊपर जो जवान डिप्यूट किए गए हैं, जो वहां पर अधिकारी, जो जवान वहां पर हैं,
वो पूरा दबाव बनाए हुए हैं पाकिस्तानी सेना के ऊपर। और लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह जो नॉर्दर्न कमांड के यहाँ पर हेड हैं, उनका ये दौरा इस समय में जवानों का और हौसला बढ़ा रहा है, और जो अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दे रहा है कि उस पार से अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो उसको किस तरीके से जवाब देना है। और अधिकारी और जवान अगर आप देख रहे हैं विजुअल में तो किस तरह से उनका जैसे है, जो पाकिस्तानी सेना के कमांडर आए थे उनका भी अब देखिए, तो जाहिर सी बात है कि हमारा दबाव पूरी तरह से पाकिस्तान पे साफ दिख रहा है। बिल्कुल पवन, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार भड़काऊ बयान दिए गए कल रैली के जरिए, उनके प्रधानमंत्री की तरफ से, उनके मंत्रियों की तरफ से, अब उसके बाद जाहिर तौर पर भले ही पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भपकी हो, लेकिन सेना जो है वो हर तमाम चीज़ों को बड़ी बारीकी से देख रही है और हर चीज़ को गंभीरता से लिया जा रहा है ताकि कहीं कोई चूक ना हो। बिल्कुल, ये LOC के ऊपर भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। अगर हम बात करें अखनूर से लेकर कश्मीर घाटी के लिपा वैली तक, जो नीलम घाटी उस पार का इलाका है वहां तक, गुरेज सेक्टर तक हमारी जो फोर्सेस हैं वहां पर भारतीय सेना जो है वो LOC के ऊपर पूरी तरह मुस्तैद है, और उस पार से होने वाली हर हरकत पर पैनी नजर रखी हुई है अधिकारियों ने, जवानों ने जो वहां पर तैनात है LOC के ऊपर। किसी प्रकार की कोई भी स्थिति अगर उस पार से होती है तो उससे निपटने के लिए हमारी सेना वहां पर तैयार है, और एक अलर्ट जो है वो पहले से ही LOC के ऊपर किया गया है कि अगर उस पार से कोई भी इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान करता है कि ऐसी साजिश होती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मनकोट और मेढर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की इस गोलीबारी में मेढर सेक्टर में एक स्कूल में कुछ बच्चे फंस गए। स्कूल के आसपास के इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई जिसकी वजह से बच्चों को भी काफी देर तक स्कूल में ही फंसे रहना पड़ा। गोलीबारी थमने के बाद बच्चों को स्कूल से निकाला गया। पाकिस्तान की इस गोलीबारी में कई घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन और इसी के चलते पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। रिहायशी इलाकों में सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश एक बार फिर। इस सब के बीच एक स्कूल में स्कूली बच्चे कुछ देर तक फंसे रहे और जब गोलीबारी थमी उसके बाद इन बच्चों को यहाँ से निकाला गया। LOC पर हाजीपुर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के जवान अपने दो जवानों के शव उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। ये घटना 10 सितंबर की है जब जवाबी गोलीबारी में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दो सैनिक मार गिराए थे। इसके बाद पाकिस्तान सेना के जवानों ने सफेद झंडा दिखाकर सीज फायर की अपील की और फिर एक एक कर अपने दोनों जवानों के शव उठाकर ले गए। इस दौरान भारतीय सेना ने मानवता दिखाते हुए और जिनेवा समझौते का सम्मान करते हुए कोई फायरिंग नहीं की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पाकिस्तान की सेना के जवान सफेद झंडा लेकर पहुंचे LOC पर हाजीपुर सेक्टर में, जहां उनके दो जवानों के शव पड़े हुए थे। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है और 10 सितंबर को भी जब कुछ ऐसा ही किया गया, पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकत की गई, तो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई की, और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के दो सैनिक मारे गए जिनके शव उठाकर ले जाते नजर आए पाकिस्तानी सेना के ये जवान।